फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम किड जंक्शन। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नर्सरी का सिलेबस। जैसे आपको पता है कि अभी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं एंड इसके लिए हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत है, और साथ ही में हमें ऐसा भी लगता है कि हम कुछ चीज़ें प्री प्रिपेयर रखें तो अच्छा होता है। तो बच्चों को अगर हमें हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके रखें कि कौन सी चीज़ें आएंगी, उसकी पहले ही प्रिपरेशन करके रखें तो और सही लगता है। और साथ ही में बच्चा जल्दी सीखता है एंड वो कॉन्सेप्ट जल्दी अडेप्ट करता है। तो उसके लिए आज मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चों को एग्जैक्टली नर्सरी में क्या क्या सिखाया जाता है एंड उससे ज्यादा बेसिकली नर्सरी के सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और ईच सब्जेक्ट में कौन सी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे अगर समझो इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या है, मैथ्स में क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और साथ ही में इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और साथ ही में आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आने वाले अपडेट्स आपको पता चल जाएंगे एंड देन आप प्री प्रिपेयर्ड रहेंगे कि कौन सा वीडियो आने वाला है। तो चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि नर्सरी में बेसिक चीज़ें से स्टार्ट होता है, जैसे नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स, जो इंट्रोडक्शन पार्ट्स, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अकॉर्डिंगली बेसिक सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, देन जनरल अवेयरनेस हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है, ये सारी जो होती है, अदर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बेसिक होती हैं बिकॉज इससे स्टार्ट होती है बाकी सारी चीज़ें। बेसिकली जो भी नर्सरी में सिखाया जाता है वो ऑल ओवर बोर्ड्स पे इक्वल ही होता है। जैसे आप जानते हैं कि IB बोर्ड होता है, CBSE बोर्ड होता है, स्टेट लेवल बोर्ड होता है, तो ये जितने भी IGCSE बोर्ड होता है, तो जितने भी लेवल के बोर्ड्स होते हैं इसमें जो प्री प्राइमरी का या फिर जो किंडरगार्टन का जो सिलेबस होता है वो ऑल ओवर सेम होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें नहीं होती हैं, बेसिक स्टार्ट होता है। तो इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम लोग देखेंगे कि क्या सिखाया जाता है। तो इंग्लिश में जनरली सबसे पहले होता है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड उसके साथ कर्व्स होते हैं, जिगजैग होते हैं, ये सारे जो ट्रेसिंग होते हैं ये बताया जाता है। देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग लाइन वाले जो लेटर्स होते हैं, जैसे H हो गया, L हो गया, T हो गया। देन स्लीपिंग लाइन वाले लेटर्स होते हैं, जैसे आप जैसे देख सकते हैं L में स्लीपिंग लाइन आता है, H में स्लीपिंग लाइन, तो ये दोनों मिला के सिखाए जाते हैं। देन आता है स्लैंटिंग लाइन वाले लेटर्स, जैसे A हो गया, देन हो गया V हो गया, W हो गया, तो ये स्लैंटिंग लाइन वाले लेटर्स होते हैं, जैसे N हो गया, M हो गया, ये सारे होते हैं स्लैंटिंग लाइन वाले लेटर्स। उसके बाद कर्व्स वाले लेटर्स जैसे P, Q, O, R, ये सारे जो होते हैं कर्व्स के लेटर्स जो होते हैं ये सिखाए जाते हैं। देन इसके बाद प्रॉपरली हमें A to Z कैपिटल लेटर्स की A to Z एक के बाद एक सीक्वेंस में सिखाया जाता है, A to Z कम्प्लीटली इन कैपिटल लेटर्स। देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं उसको लर्न करना, एंड देन उसके बाद स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर्स ABC A to Z तक। देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि दोनों को मिक्स एंड मैच करके बच्चों को याद रखना, जैसे कैपिटल A एंड स्मॉल A, कैपिटल B एंड स्मॉल B, कैपिटल C एंड स्मॉल C। तो ये दोनों जब बच्चे एक साथ लिखते हैं, एक साथ लर्न करते हैं, तो उनको फिर वो आइडिया आ जाता है कि इस लेटर का छोटा फॉर्म क्या है, इस कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर क्या है। तो इसके आइडिया के लिए दोनों एक साथ सिखाया जाता है। जब बच्चों के दिमाग में A to Z एंड स्मॉल A to Z एंड कैपिटल A to Z दिमाग में बैठ जाता है, देन इक्वली दोनों को कंपैरेटिवली उनको बताया जाता है। उसके बाद बहुत एंड में आती है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर ओरली होता है, नर्सरी में रिटन नहीं होता है। ओरली मतलब जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, माइसेल्फ हो गया, एंड देन वोकैबुलरी भी होती है। वोकैबुलरी में जैसे होता है नॉर्मल वर्ड्स, जैसे कुछ चीज़ों के नाम, कुछ जगहों के नाम, कुछ बर्ड्स, एनिमल्स, इनके नाम, फ्रूट्स के नेम, वेजिटेबल्स के नेम, तो ये आ जाता है वोकैबुलरी में। वीक्स आते हैं, मंथ्स आते हैं, तो ये ओरली पहले होता है, एंड देन राइटिंग होता है नेक्स्ट पार्ट में, जो हम लोग KG 1, KG 2 या फिर जूनियर KG सीनियर KG बोलते हैं, उस टाइम पे हम लोग को ये किया जाता है। अब भी ओरली ही होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी, बिकॉज बच्चों को सिर्फ वो वोकैबुलरी उनकी इंक्रीज करनी होती है, इसलिए वो होता है।
नेक्स्ट होते हैं प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स। मैथमेटिक्स में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होते हैं प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स। प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स में जैसे नॉर्मली काउंटिंग, जैसे ब्लॉक्स को काउंट करना या फिर जो चीज़ें हैं उसको एक के ऊपर एक रखना, ये सारे प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। जैसे बिग या फिर स्मॉल, बिग लेटर स्मॉल लेटर या फिर बिग वन स्मॉल वन, ऐसे कॉन्सेप्ट्स में सब बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। देन राइटिंग में आता है नंबर्स 1 to 10, ओरली आता है 1 to 20 एंड राइटिंग में आता है 1 to 10 एंड देन उसके बाद उसको जो राइटिंग पार्ट में है 1 to 10 कंटिन्यूसली पहले सिंगल 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 लेटर्स लिए जाते हैं, जैसे ओनली 1 देन ओनली 2 देन ओनली 3, ये 10 तक होता है एंड ओरली 1 to 20 सिखाया जाता है। सो अकॉर्डिंगली बच्चे वो लिखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आता है मैथ्स में शेप्स को लर्न करना। शेप्स जैसे ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो शेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी के साथ साथ कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कलर्स में सारे कलर्स जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, जैसे रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो, पिंक, ऑरेंज, ये जो बेसिक कलर होते हैं ये बच्चों को सिखाया जाता है। ये एक आइडेंटिफिकेशन होता है एंड साथ ही में उसको कलरिंग के लिए भी दिया जाता है, जिससे बच्चों के दिमाग में वो रहता है एंड देन अकॉर्डिंगली वो जो उनकी राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छे से उभर के आती है एंड देन उनको बाकी की चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माईसेल्फ। माईसेल्फ में बस बच्चों का नाम, उनका उनकी एज, वो कौन सी क्लास में है, मम्मी पापा का नाम, ये सारी बेसिक चीज़ें ही माईसेल्फ में बताया जाता है। जस्ट ऑलमोस्ट लाइक 5 sentences तक ही माईसेल्फ होता है, उसके ज़्यादा आगे नहीं होता है, ये सिर्फ ओरली होता है। नेक्स्ट है कि सीजन्स के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया वोकैबुलरी बिल्डिंग होती है, यही चीज़ें सारी होती है, सीजन्स, ट्रांसपोर्ट एंड एनिमल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बच्चों को सुनाई जाती हैं, जिससे वो याद रख पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, देन बाद में उनको नेक्स्ट स्टेप पे उसको लिखवाया भी जाता है, बट वो नेक्स्ट क्लास में होता है। नेक्स्ट होता है जैसे एनवायरमेंटल साइंस, जिसको हम लोग नॉर्मल साइंस भी बोलते हैं या फिर EVS भी बोलते हैं, तो इसमें जनरल अवेयरनेस की बातें, सीजन्स के बारे में, जो डेली हैबिट्स होती हैं इसके बारे में, बिहेवियर जो होता है, मैनर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो साइंस से रिलेटेड होते हैं, जैसे डे एंड नाइट, ये सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं इनको सिखाया जाता है। उसमें ईटिंग हैबिट्स होती हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के बारे में होता है, सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, बिहेवियर मैनर्स के बारे में होता है, ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो जस्ट इन्वायरमेंटल साइंस में उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसमें कोई भी पार्ट रिटन नहीं होता है, सारी जो होती हैं वो ओरल होती हैं। नेक्स्ट है अदर एक्टिविटीज। अदर एक्टिविटीज में जैसे अभी कोई भी डेज आते हैं तो उनको सेलिब्रेट करना, उसके बारे में जानना पहचानना, उसके बारे में इंपॉर्टेंस बताना, अलग अलग तरीके के क्राफ्ट्स करना, देन उसके बाद वेलकम कार्ड्स बनाना, इनविटेशन कार्ड्स बनाना, क्राफ्टिंग करना, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और कोई भी समझो जैसे कोई कॉम्पिटिशन है, जैसे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन, तो उस टाइम पे वो बच्चे अपने आप को किस तरीके से कैरी करते हैं, किस तरीके से वो उसमें पार्ट लेते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ ही में जैसे पिक्चर रीडिंग होता है, पिक्चर कॉम्पोजिशन होता है, स्टोरी टेलिंग होती है, राइम्स होते हैं, इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव किया जाता है, पार्टिसिपेशन में उनको मोटिवेट किया जाता है एंड देन अकॉर्डिंगली उनको एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए फोकस्ड किया जाता है, जिससे क्या होता है एक्टिवेशन पार्ट भी होता है और बच्चे हैप्पीली सारी चीज़ें लर्न कर पाते हैं। आई होप आपको आज के जो बेसिक सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें नर्सरी में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है इसके बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बता सकते हैं। साथ ही में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप ज़रूर मुझे बताइए। एंड इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे मॉम किड जंक्शन पे, और इसी तरीके से वीडियोज़ देखने के लिए उस सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा और साथ में हमारे इंस्टा हैंडल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।